पितृ आत्मा का तर्पण करते उसकी स्तुति की संगम में कैसे होती है? ब्रह्मा बाबा तुम्हारे पितर हैं? नहीं है? मम्मा और बाबा पितर हैं या नहीं है? हैं? उनको तर्पण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भोग लगा रहे हैं? हैं? ये भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग है? ये भक्ति मार्ग है। बाबा ने तो मना कर दिया, भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार, फिर भी करते हैं। तो शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम में शूटिंग हो रही है। एडवांस वाले भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर भक्ति मार्ग का अंश रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर आगे का संगम युग कहाँ जाएगा? संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। तो 500-700 करोड़ को संदेश मिलने का टाइम, जो संदेश लेने वाले हैं वो प्रजा वर्ग में आवेंगे या राजा वर्ग में आवेंगे? प्रजा वर्ग में आवेंगे। तो 500-700 करोड़ में ज्यादातर तो प्रजा ही है ना, तो उनको संदेश कब तक मिलता रहेगा? परम धाम से जो आखिरी आत्मा उतरेगी उसको भी बाप के आने का संदेश मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो आत्मा भी प्रजा वर्ग में आवेगी। अभी ही सारी दुनिया में राजा ही खत्म हो गई, भूटान में सिर्फ राजा बैठा है। तो और 20-30 साल के बाद क्या हाल होगा? राजाई का नाम निशान नहीं रह जाएगा, कोई किसी के कंट्रोल को नहीं मानेगा, बंदरों में चल दुनिया हो जाएगी। तो संदेश तो अंत तक मिलता रहेगा। बाकी अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया तो इसलिए दिया कि कम से कम राजा नहीं बनते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते हैं, राजा औरों को नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम संदेश देने की तो सेवा करें। ये तो सहज है ना, राजा बनाना और बनना सहज है या प्रजा बनना और बनाना सहज है? सहज क्या है? प्रजा बनना भी सहज है और बनाना भी सहज है। संदेश लिया और चले गए, कोई धारणा के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, याद के लिए कोई संगठन नहीं किया, ब्राह्मण परिवार के लिए कोई जिम्मेवारी धारण नहीं की, वो भी प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। तो संदेश देना, ढेर के ढेर लोगों को संदेश दिया जा सकता है, परंतु राजा बनाने के लिए एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है या ढेरों को बैठ समझाया जा सकता है? एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो अव्यक्त बाप दादा ने तो उन आत्माओं के लिए बोल दिया जो बाप को पहचानती ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ माँ को पहचाना है, निराकार को पहचाना है, वो संदेश देने की सेवा है। समझा नहीं सकते कि बाप कैसे आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, बस कहेंगे भगवान आया हुआ है
नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। जय गुरुदेव के भगत क्या कहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। और ब्रह्मा विष्णु और पुनर्जन्म नहीं आते और शंकर जी नहीं आते, वेद की बात है। शंकर इस दुनिया का है या बेहद के सूक्ष्म वतन का है? तो बेहद का है तो उसका जन्म मरण भी कैसा होगा? बेहद का है, बेहद का जन्म मरण है बाप को पहचाना माने जन्म हुआ, और बाप को भूल गया माने मर गया। तो शंकर के लिए मरने की बात लागू नहीं होती है, बाकी और जो भी आत्माएं हैं वो सब 500-700 करोड़ पत्ते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, अर्थात निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। जो वृक्ष का बाप है, बीज है, उसके मरण का और जन्म का शास्त्रों में भी कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। और उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में पहला है ब्रह्मा। पहला पत्ता कौन? ब्रह्मा कहो, कृष्ण कहो, तो वो जन्म मरण के चक्र में आता है। सबसे जास्ती जन्म किसके हुए, किसके कहें? अरे पहला पत्ता ज्यादा जन्म मरण के चक्र में आएगा या बीच वाले ज्यादा आएंगे, बाद वाले आएंगे? जो पहला पत्ता है वो ज्यादा जन्म मरण के चक्र में आएगा। और और कोई आंख निकलेंगे ऐसा कभी छोटा नहीं। ब्रह्मा ने जो वाणी ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई उस वाणी के भांति भांति के अर्थ कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, तभी तो भक्ति मार्ग जिंदाबाद हो रहा है बेसिक में। हाँ, अगर उन्होंने अनर्थ न किए होते, अनेक प्रकार के अर्थ न किए होते तो भक्ति मार्ग कैसे चलता? हाँ, उसके ने गहरा अर्थ निकाल के बताया। जो बाबा सुप्रीम टीचर है, उन्होंने बहुत गहरा अर्थ निकाला। सुप्रीम टीचर सुपरमेसी का अर्थ बता देगा, वो अर्थ जो है उसको कोई काट नहीं सकेगा। हाँ, इधर बोला गया कि शंकर मोहानी इलेक्ट्रिक का मास्टर है, इधर दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक के अंदर जो शब्द कोड वाले चलते, इलेक्ट्रिक के अंदर सीधी सीधी बातें नहीं चलती है, इलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी भाषा सीधी बातों में नहीं होती, कोड वर्ड में होती है। तो अभी के जो बाबा भी बता रहे हैं वो भी कोड वर्ड माना जाए कि वो सीधे सीधे शब्द मानेगा? भगवान की जो भाषा है उस भाषा की गहराई को सब समझेंगे? वेदों का अर्थ सबने समझा क्या? कि बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने समझा? वेदों का अर्थ बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने समझा और उसका अर्थ करके ब्राह्मण और आरण्यक बनाए, उन ब्राह्मण और आरण्यक का फिर अर्थ किया गया, तो कोड वर्ड हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ भी है, बाबा की जो वाणी है उस वाणी को ही लेकर के विष्णु पार्टी वाले अनेक प्रकार के अर्थ लगा रहे हैं। ये
हम बच्चे बाबा के अर्थ को डायरेक्ट स्पेकुलेट करने से और कोई अर्थ निकलेंगे। हम क्यों समझे जब बाबा हमें सब कुछ खुद ही दे रहा है, वो खुदा खुद ही हमको सब कुछ देता है, वो जानी जाना नहार है, तो वो उसे क्या एक एक को पूछ पूछ करके देना है क्या? कोई पूछेगा तब देगा क्या? वैसे नहीं देगा। पहले हम कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे तो हम क्या पूछेंगे? अरे उन कोड वर्डों का भी तो अपने अपने तरीके से अर्थ लगाते हैं। जो दूसरे दूसरे धर्म की मिलिट्रीज हैं, वो मिलिट्री वाले उन कोड वर्ड को अपने तरीके से खोलना चाहते हैं कि नहीं? हाँ खोलते हैं और जासूसी करते हैं, फिर विजय पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान के बताए हुए जो कोड वर्ड हैं वो भगवान ही खोल सकता है, कोई मनुष्य नहीं खोल सकता। ये कहा गया कि शंकर से आदि जताए इसलिए आदि आदि मांगो और आदि सुनी। सुप्रीम टीचर बन करके जब आता है तो क्या सब बातें पहले ही बता देगा? सारी बातें पहले ही बता देगा क्या? आगे चल के क्या बता देंगे? इसलिए कुछ खुली रखती हैं और कुछ बंद रहती है। और कोई लक्कड़ बुद्धि होगी जिसका आधार लेते होंगे क्या? जो लक्कड़ बुद्धि का आधार लेते हैं वो बाएं हाथ में लेते हैं या दाएं हाथ में लेते हैं? है बाएं हाथ में लेते हैं वो लक्कड़ बुद्धि। लकड़ी का आधार है वो भी जरूरी है, उसको लकड़ी का आधार कहो अथवा नवैया कहो, लकड़ी की काठ की नवैया। रामायण में काठ की नवैया की बात आती है, वो ही नवैया वो ही लकड़ी वो भी जरूरी है। वो लेफ्ट हैंड का आधार है, कौन है? अरे ब्रह्मा बाबा है। फिर बैल कौन है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है। ये कहें कि ब्रह्मा जिसमें विनाश के लिए प्रवेश करता है, विनाशकारी संपन्न कराने के लिए, किसके द्वारा विनाश कराते हैं? शक्तियों द्वारा। उन शक्तियों में कोई लेफ्ट हैंड की शक्ति है जो महाकाली का रूप धारण करती है, वो आधार बनती है रुद्रमाला का। रुद्र यज्ञ रचा तो यज्ञ भंग करने के लिए विजयमाला आई या रुद्रमाला काम में आई? रुद्रमाला काम में आई। तो रुद्रमाला तैयार करने के लिए आधार लिया जाता है लेफ्टिस्ट का। उस रुद्रमाला में एक को छोड़ करके सारे ही जितने भी हैं वो सारे ही मन के कुछ न कुछ विदर्भी तत्व लिए हुए हैं। आठ देवताएं हैं, उनमें सात तो अष्ट देवों में लास्ट जन्म में विदर्भ में गिरते ही है।
तो जब सांप ही गिरते हैं दूसरे धर्म में, तो बाकी जो 100 मणके हैं वो दूसरे धर्म में गिरने वाले नहीं होंगे। माया उनको पछाड़ेगी नहीं, पछाड़ती है, क्योंकि जैसी धरणी वैसी ही पैदाइश होती है। तो रुद्रमाला की धरणी कौन है? अरे पहला मण का बीज और आखिरी मण का धरणी है। ये युगल जोड़ी है जगत पिता जगत माता की। तो सारे जगत की आत्माओं के बीज भरे पड़े हैं रुद्रमाला में। विधर्मियों के बीच में बाप आता है या स्वधर्मियों के बीच में आता है? विधर्मी बाप को पहचानते हैं पहले या स्वधर्मी पहचानते हैं? है? विधर्मी पहचानते हैं। जो बुद्धि में तीखे हैं वो ही बाप को पहचानते हैं। बाप बुद्धिमानों को पसंद करता है या दिल वालों को पसंद करता है? है? किसको पसंद करता है? बुद्धि वालों को पसंद करता है, दिल वालों को पसंद करता है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं लेकिन पसंद नहीं है, इसलिए कहते हैं विजय माला का आवाहन करो। मूर्खो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। माता को गुरु बनाओ, जगत माता की तो मट्टी पलीत कर दी, गुरु तो नहीं बनाया। अभी माता गुरु बनाने पड़े। और बाबा, हम राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सुनो, किसी ने प्रश्न भेजा, बाबा हम राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और राजा बनने के बाद भी भोग भोगेंगे, फिर अभी हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल क्यों करें? क्यों ना भोग भोगें? अरे भोग भोगें वो तो ठीक है, खाना नहीं खाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा? अरे इंजन को कोयला पानी देंगे या नहीं देंगे? देंगे। हवाई जहाज है, हवाई जहाज को कोयला पानी देंगे? अरे हवाई जहाज में कोयला पानी डालने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जो ऊंची स्टेज में उड़ने वाले हैं उनको भोग भी श्रेष्ठ देना पड़े या भ्रष्ट इंद्रियों का देना पड़े? श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग देना पड़े। राजाएं जो भोग भोगते हैं, हम राजयोग सीख करके जो राजा बनेंगे, भोग तो भोगेंगे लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग भोगेंगे या भ्रष्ट इंद्रियों भूभूत वाली इंद्रियों का भोग भोगेंगे? नाली का कीड़ा उसको उठा करके स्वच्छ स्थान पर रख दो धूप में, बिलबिला के मर जाएगा या जिंदा रहेगा? है? मर जाएगा। उसको नाली का भोग चाहिए गोमूत्र वाला, उसी के लिए चिल्लाएगा।
जो देव आत्माएं हैं उनको तो श्रेष्ठ भोग चाहिए, मृत चीजों का भोग नहीं चाहिए, मांस मच्छी अंडा शराब ये चीजें नहीं चाहिए। टेस्ट इंद्रियां हैं, आंखें, मुख, बाहु, इनसे भी प्यार किया जाता है। कोई बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ मिलता है तो क्या करते हैं, गले मिलते हैं। ये प्यार को प्रदर्शित करने की बात नहीं है क्या? खुशी नहीं होती है? तो राजयोग के द्वारा जो हम योगी बनते हैं वो शेष इंद्रियों का भोग करने वाले भोगी बनते हैं, बस इंद्रियों का भोग भूल जाता है, दिमाग से ही निकल जाएगा। सत्युग में नहीं, इसी संगम युग में दिमाग से बात निकल जाएगी कि ब्रष्ट इंद्रियों का भी कोई भोग होता है। अभी सहज सहज नहीं मानेंगे तो महाकाल के काल की अर्थात समय की ऐसी मार पड़ेगी कि भोग भोगना सारा भूल जाएगा। दरबदर हो जाएंगे, जैसे सन 47 में पाकिस्तान में परिवार दरबदर हो गए थे। वो छोटा रूप था, अभी तो बड़ा विकराल रूप सामने आने वाला है। हाँ जी बोलो माता जी। क्या पूछ रही थी? बोले हैं? हाँ क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हैं? क्या हुआ? हाँ, जब जमीन के सितारे जमीन पे दिख रहे हैं तो आसमान के तारे जमीन पे क्यों उतारेंगे? और वो तो जड़ तारे हैं, और ये सितारे तो चैतन्य सितारे हैं। तुम्हें कौन से चाहिए? बाबा मुरली में बोला है कि भैंस का दूध पीने से भैंस बुद्धि बनते हैं, तो बाबा मधुबन में भैंस का दूध भी पिया जाता है, तो क्या सब भैंस बुद्धि बन जाते हैं? अच्छा, दुनिया में ज्यादा संख्या मांस मच्छी खाने वालों की है, भैंस बुद्धियों की है, या गऊ जैसे भोले वाले बच्चों की है? भैंस बुद्धियों की संख्या ज्यादा है, तो उन भैंस बुद्धियों की फाउंडेशन कहाँ पड़ रही है? है? भैंस बुद्धियों की भैंस बुद्धि बनने की फाउंडेशन संगम युग में ही तो पड़ रही है। तो जिनकी फाउंडेशन पड़ रही है तो कौन सा दूध मिलेगा पीने के लिए? है? अरे भैंस का तो फिर भी ठीक, वो कारखानों में बनाया जाता है उसका घास फूस का दूध, कौन सा? यूरिया का बनाया जाता है, सिंथेटिक का दूध बनाया जाता है, वो तो कितना खराब है। अब मिलता ही नहीं है दूध तो क्या फायदा, न पीना अच्छा या पीना अच्छा? है? न पीना अच्छा? अरे सोयाबीन ढेर सारा पैदा होता है,
मूंगफली ढेर सारी पैदा होती है, तिल ढेर सारा पैदा होता है, उससे दूध नहीं बना सकते? अरे उसमें कैल्शियम आदि मिनरल्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। रात को भिगो दो और सवेरे को मिक्सी में पीस के निचोड़ लो और कच्चा ही पी जाओ। है पियो, मिले तो पियो, क्यों नहीं पियो। और गायों को आजकल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या करेंगे? बाबा शंकर को सती में क्यों नहीं दिखाते हैं? है? लगता है शंकर जी में मोह लग गया। अब वहां शंकर जी होगा तो शिव बाबा भी क्यों होना पड़े कि नहीं होना पड़े? है? शिव शंकर भोलेनाथ वो तो साथ ही साथ होते हैं, शिव बाबा की तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं अगर जाऊंगा वहां, मैं अगर नई दुनिया में जाऊंगा तो मुझे पुरानी दुनिया में भी आना पड़ेगा। फिर जैसे बच्चे सब भूल जाते हैं तीनों कालों का ज्ञान, वैसे मैं भी भूल जाऊंगा। तो शंकर सत्ययुग में नहीं आता, शिव बाबा भी सत्ययुग में नहीं आते हैं। बाबा कृष्ण वाली आत्मा की 2018 में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? अरे एक की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो दूसरे की क्या खत्म हो गई? दूसरों की पढ़ाई चलेगी या नहीं चलेगी? उनको पास नहीं होना है तो नंबर बार पास होने वाले निकलते रहेंगे, पढ़ाई फिर भी चालू रहेगी। जब तक जीना है तब तक पीना है, और देह अभिमान में जीने वाले कब तक रहेंगे? है 100 साल का संगम युग पूरा होने तक कोई न कोई देह अभिमान में जीने वाले इस दुनिया में रहेंगे जरूर। तो जब तक जीना है तब तक पीना है। बाबा राम ने रामेश्वर की स्थापना की थी तो ब्राह्मण कौन आया था मालूम है किसी को? रावण को बुलाया, वो नहीं आया, वो तो अहंकारी था। क्यों नहीं मालूम? विभीषण आया। कौन आया? विभीषण आया। विभीषण भी ब्राह्मण था या नहीं था? बाबा मैं लहसुन प्याज का सेवन बंद कराया है, इससे तामसिक वृत्ति होती है। कैसे? लहसुन प्याज से। परंतु बाबा ने दूध पीना बंद नहीं कराया, दूध से भी तो तामसिक उत्तेजना होती है, होती है, है? लहसुन प्याज के मुकाबले जो अन्न खाते हैं, अन्न के मुकाबले दूध में ज्यादा तामसिक उत्तेजना होती है या कम होती है? कम होती है। मनुष्य ज्यादा विकारी बनता है या जानवर ज्यादा विकारी बनते हैं? मनुष्य ज्यादा विकारी है, जानवर उतने विकारी नहीं है। सत्ययुग में तो गऊएं होंगी। तो बाबा ने कहा कि जो देवताएं खाते हैं पीते हैं
उन चीजों का भोग लगाओ तो सच्चे गुरु में दूध नहीं पियेंगे है, पियेंगे वहां तो अच्छी अच्छी गऊएं होती हैं, फर्स्ट क्लास दूध देती हैं। ये कोई विष्णु पार्टी वाला घुस गया यहाँ, वो ये बातें निकालते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। दूध जानवरों के मांस से तैयार, खून से तैयार होता है। तो बच्चा जो दूध पीता है माँ का, वो कैसे तैयार होता है, है? वो भी तो ऐसे ही तैयार होता है। तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए। सब उल्टी उल्टी बातें उठाई हैं। हाँ जी बाबा। हाँ, ये सीढ़ी के चित्र में जो भारत का नक्शा दिया है ना, सीढ़ी के चित्र में हाँ भारत का नक्शा दिया है हाँ, उसका एक साइड का कोना कटा हुआ है क्यों? भारत का नक्शा दिया हुआ है, एक कोना कटा हुआ है हाँ, और द्वापर में नहीं कटा हुआ है। अखंड भारत भारत में सतयुग त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में अखंड भारत रहता है, है? सतयुग त्रेता में अखंड भारत होता है और द्वापर कलयुग में तो खंडित होगा या अखंड होगा, खंडित हो जाते हैं। हाँ, वो एक गुहा है, समय बड़ा बलवान नहीं हो मनुष्य बलवान, नीले में लूटी गोपी का बे अर्जुन है, समय जड़ है और मनुष्य चैतन्य है, तो जड़ बलवान है या चैतन्य बलवान है? चैतन्य बलवान है। ये मिसाल देते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, ये समय की बलवत्ता हुई। अब ये समय की बलवत्ता हुई या पुरुषार्थ की कमजोरी हुई, है? पुरुषार्थ की कमजोरी हुई। पुरुषार्थ आत्मा चैतन्य करेगी या जड़ समय करेगा, कौन करेगा, है? चैतन्य आत्मा पुरुषार्थ करती है। हाँ, तो पशु पक्षियों से हमारे कर्तव्य रहते हैं, है? जैसे कि कोई पशु पक्षी रहते हैं हाँ, तो उनको 150 लोग मार के खा जाते हैं, तो फिर वो जो पशु पक्षी रहते हैं उनको 150 लोग मार खा जाते हैं, उसी बना के खाते हैं ना जानवरों को। हाँ, पशु पक्षियों को लोग मार के खाते हैं। हाँ, हाँ। पशु पक्षी फिर उनका बदला कैसे लेगा मनुष्य? क्या पशु पक्षियों से आदमियों की मौत नहीं होती है? नहीं होती है, है? होती है? तो सैकड़ों लोगों ने खाया ना एक को, तो क्या हुआ? तो वो सैकड़ों लोगों को कैसे फिर बदला लेगा, है? उसका निमित्त कोई एक तो होगा, डायरेक्शन देने वाला। सेना ढेर सारी है, सारी ढेर सेना कोई देश के ऊपर आक्रमण करती है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई सेनापति और राजा तो एक होगा ना, तो गलती किसकी? मुखिया की गलती पकड़ी जाएगी। और
सोचता एवं अभूल कैसे बने। अरे असोचता बनेंगे माने मन का काम बंद, मन को अमन बनाई दिया। देवताओं को मन होता है? देवताओं का मन चंचल होता है? नहीं होता। तो मन के ऊपर जीत पाली तो भूल होगी? नहीं होगी। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। काम का कनेक्शन कामेंद्रिय से है। 10 इंद्रियां हैं, उनमें कामेंद्रिय को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन राजा है। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो मन जीत लिया तो असोचता हो गया। सोचना विचारना संकल्प विकल्प करना बंद। मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, बस। तो अब भूल हो जाएंगे। मनुष्यों से भूल होती है, देवताओं से नहीं होती। ये पढ़ के तो सुना दो किसने लिखा है, ठीक से नहीं। कमल किशोर जी, हाँ दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं। ये पहले मतलब पहले पढ़ाई की पढ़ाई पहले की होगी? हाँ, जब संगम युग पहले था 5000 साल पहले, तो कलयुग के अंत में ये अभी प्रवचन दे रहे हैं, संसार में प्रत्यक्ष हो रहे हैं, इनका मान मर्तबा बढ़ रहा है, तो कलयुग के अंत की शूटिंग काल में इन्होंने पहले भी भगवान से पढ़ाई पढ़ी है थोड़ी सी। हाँ, अभी तो पावन है, अभी पावन है, ये बाद में क्या तुम्हें पावन दिखाई पड़ते हैं? है बाबा तो कहते हैं इसे पतित, दुनिया में सब पतित हैं, तुम्हें पावन कहाँ से दिखाई पड़ गए? है हाँ? तुम्हें कैसे पावन तुम्हें कैसे क्या सपना आता है? इन आत्माओं के पास क्या पावर होती है इतना संगठन कर लेते हैं? इन आत्माओं के पास कौन सी पावर होती है संगठन इतना इकट्ठा कर लेते? कलयुग अंत में, अंत की शूटिंग में जो आत्माएं ज्ञान में आवेंगी वो सात्विक स्टेज में आवेंगी या तामसी होंगी? सात्विक स्टेज हो जाती है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। कोई आत्मा पहली पहली बार जब भगवान के सन्मुख आती है तो सतोप्रधान स्टेज में आती है, इसलिए उसका उजूरा उसको उसी टाइम में शूट हो जाता है, शूटिंग में आ जाता है। तो कलयुग अंत जब आता है तो वो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है और करिश्मा दिखाती है, कुछ सतो प्रधानता की तरफ ढेर की ढेर आत्माएं आकर्षित होती हैं तामसी। तो हो रही है, थोड़े समय का है, वो आत्माएं अल्पकाल का जलवा दिखाने वाली हैं, और आपका तो 150 साल का जलवा होता है पहली पहली बार जब जल उतरते हैं तो उनके जलवे में और हम बच्चों के जलवे में जमीन आसमान का अंतर है।
और इनमें दो दो आत्माएं रहती होगी ना बाबा, इनमें दो आत्माएं रहती होगी। ऊपर से जो आत्मा उतरेगी उसका कोई कर्म बंधन है नहीं है, तो वो गर्भ से जन्म लेगी नहीं लेगी, तो क्या करती है, किसी में प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है वो तमो प्रधान और प्रवेश करने वाली तत्व प्रधान उसको कैप्चर कर लेती है। तो जो तत्व प्रधान आत्मा है वो ढेरों मनुष्य आत्माओं को आकर्षित करती है शुरू शुरुआत में, बाद में ठंडी हो जाती है। जैसे आचार्य रजनीश और लक्ष्मण है राम बड़ा या लक्ष्मण बड़ा, राम बड़ा। तो राम जो है बेहद में वो ज्यादा लक्ष्य को मारता होगा और लक्ष्मण थोड़ा लक्ष्य को मारता है। माना राम वाली आत्मा संगम युग में ही नर से नारायण बन जाती है और लक्ष्मण उतना बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त करता, क्या करता है सतयुग के पहले जन्म में नारायण बनता है, लक्ष्य प्राप्त करता है, इसलिए वो लक्ष्मण है राम नहीं है। राम तो भगवान की जैसे पदवी हो गई, लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और भगवान के समकक्ष भी बन जाता है। ये जोड़ी है दिखाते हैं कि द्वापर युग में लक्ष्मण वाली आत्मा बड़ा भाई बनती है और राम वाली आत्मा छोटा भाई बनती है। तो राम वाली आत्मा को लक्ष्मण का आदेश मानना पड़ता है, माना छोटा भाई जो राम वाली आत्मा है उसको किसके आदेश पे चलना पड़ता है, जो पूर्व जन्म का लक्ष्मण है वो बड़ा भाई बन गया उसके आदेश पे चलना पड़ता है। शूटिंग कहाँ होती है, संगम युग में, जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्मा की वाणी को भी मानना पड़ता है राम वाली आत्मा को। कैसे मानना पड़ता है, जैसे भगवान की वाणी मुरली को मानता है ऐसे ही ब्रह्मा की जो वाणी चलती है उस वाणी को भी भगवान की वाणी समझकर मानना पड़ता है। ये महावारी महाभारत युद्ध का टाइम चल रहा है, ब्रह्मा बाबा ने तो सतयुग की शूटिंग कर ली, कैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ पूरा कर लिया। महाभारत युद्ध की बात नहीं, और अभी तो महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। और बाबा ये ज्ञान अमृत पेशिक वाले बना रहे हैं, ये इसमें से सेवा हो नहीं रही है उसमें और बोझ लग रहा है पढ़ने का, क्या उपाय भी नहीं पैसे देते हैं। गधा है तो गधे को बोझ उठाने में मजा आता है, गधे को बोझ उठाने में मजा आता है तो उठाता है, उससे सेवा होगी बाबा। अरे मनमत मनुष्य मत पर सेवा होती है या श्रीमत पर सेवा होती है,
तो ये पूछने की बात है, है? तो पूछें और सेवा करने का, जैसे पहले बेसिक में चल रहे थे जब हाँ ज्ञानमृत के लिए सेवा करो ऐसा बोलते थे, तो वो करना चाहिए या तो खरीदोगे नहीं तो कमाई कहाँ से होगी? खरीदोगे तभी तो कमाई होगी। और बाबा ने बताया कि 2018 में कृष्ण वाली आत्मा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पढ़ाई चलती रहेगी। कृष्ण वाली आत्मा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पढ़ाई चलती रहेगी। हाँ तो क्या दूसरी आत्माएं नहीं है और दूसरे पत्ते नहीं है? 500 करोड़ पत्ते सबकी पढ़ाई है या एक आत्मा की पढ़ाई है? ब्राह्मण सबको बनना है या सिर्फ एक ही आत्मा को बनना है? सबको बनना है। 500 करोड़ सबको ब्राह्मण बन, ब्रह्मा की औलाद सारी दुनिया बनेगी। सारी दुनिया किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है। तो आज की दुनिया थोड़े ही, संगम युग जब था तब की यादगार है शास्त्रों में कि सारी दुनिया किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। हाँ सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एक आदमा पढ़ाई पढ़ लेगी सारी दुनिया खलास हो जाएगी, माने संगम युग को इन्होंने 18 साल कम कर दिया। क्या अब 100 साल का संगम नहीं रहा? और मिनट नहीं बोले तो क्लास खत्म। शंकर को शिव को, क्योंकि शंकर याद की प्रैक्टिस करके शिव के समान बिंदु बन जाता है, देह को भूल जाता है। तो शिव भी बिंदु और शंकर भी बिंदु, फिर अंतर क्या रहा? है अंतर कहाँ रहा? वो भी बिंदु और वो भी बिंदु, फिर अंतर तो खत्म हो गया ना। हर आत्मा अभी देहभान में आती है कि नहीं? देह की याद आती है तो देह का धारण करने वाला देहदारी हो गया। अगर देह की याद आना ही बंद हो जाए और सदाकाल के लिए आत्मा की स्मृति बनी रहे तो देहदारी कहेंगे या विदेही कहेंगे? क्या कहेंगे? विदेही कहेंगे। तो शिव भी विदेही और शंकर भी विदेही, तो बराबर हो गए। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। और ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम का मतलब हाँ, जैसे जन माने मनुष्य, अर्दन माने रोना, मनुष्यों का रोना जो सुनने वाला है प्रैक्टिकल जीवन में, और उस रोने को खत्म करने का निमित्त बनता है उसको कहा जाता है जनार्दन। दुखी मनुष्यों के रुदन को, दुख की आवाज को सुनने वाला तो वो है नारायण। वो नारायण को कहते हैं जनार्दन। क्यों जनार्दन बना? कि ब्रह्मा के जो वाक्य हैं उनको उस जनार्दन ने धारण कर लिया,
इसलिए ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। और मनुष्यों ने उस परसेंटेज में धारण नहीं कर पाया क्योंकि सच्चा नहीं समझा। नहीं तो ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर हैं, उनको 100% सच्चा समझना चाहिए। और आत्माओं ने इतना महत्व नहीं दिया और नारायण ने इतना महत्व दिया जो संसार में कहावत हो गई ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। और अच्छा, 4.5 लाख जो हैं वो महामृत्युंजय जाप करते हैं कि नहीं करते हैं? मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, तो शूटिंग हो रही। 4.5 लाख आत्माएं हैं जिनके शरीर नष्ट नहीं होंगे। शरीर नष्ट हो जाना माने मृत्यु हो जाना। आत्मा की तो मौत होती नहीं, शरीर की मौत होती है। तो 4.5 लाख आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करती हैं जो उनका शरीर तो सरता जाएगा लेकिन आत्मा ऐसा पावरफुल बन जाती है कि पावरफुल आत्मा अपना वाइब्रेशन इतना मजबूत बना लेती है, विल पावर इतनी मजबूत बनाती है कि सड़ा हुआ शरीर भी नई दुनिया के लिए सुरक्षित हो जाता है। ऐसा अजूबा गरूबा परिवर्तन होता है दुनिया में। बाकी आज के भक्त तो ऐसे ही मृत्युंजय जाप करते रहते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं करता है। है तो करो ना, तुम काहे के लिए यहाँ आके बैठ गई? वो तो उनकी कमाई है, रोटी दाल कमाने के लिए दुनिया भर के धतंग चलाए हुए हैं। अगर महामृत्युंजय जाप करने से कोई मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करे तो फिर ईश्वर का ज्ञान लेने की, ईश्वर को आने की क्या दरकार है? फिर तो सारी दुनिया अमर बन जाएगी। अमर को देवता कहा जाता है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, बड़ा बच्चा तो शंकर है, तो ब्रह्मा का नाम पहले क्यों आता है? जो पहले आएगा वो दुनिया की नजर में पहले आता है या भगवान की नजर में पहले है? दुनिया की नजर में पहले। ऐसे ही ब्राह्मणों की नजर में ब्राह्मण बच्चे हैं या ब्राह्मण बच्चे पहले सगीर हैं? ब्राह्मण बच्चे जो होते हैं वो पहले बच्चे बनते हैं या पहले बड़े बन जाते हैं? तो बच्चा पहले अम्मा को पहचानेगा या चाचा और बाप को पहचानेगा? तो नाभि है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। बच्चा है तो अम्मा को ही पहचानेगा ना, तो किसका नाम पहले लेगा? माँ का नाम पहले लेगा। सुन लेता है, तुमको भी ऐसा ही लगता है कि अम्मा पहले और बाप बाद में? हाँ, सरेंडर कैलेंडर की बात। हाँ है, कैलेंडर की शूटिंग की तारीख देखने की शूटिंग क्या है? हाँ, शूटिंग कैसे होती है?
संगम तिथि तारीख देखने की शूटिंग कैसे होती है? हाँ अभी संगम युग में तुम दिन नहीं गिन रहे हो, वर्ष नहीं गिन रहे, महीने गिन नहीं रहे, नहीं गिन रहे, बस शूटिंग हो रही। कैलेंडर भी जो बने हैं अलग अलग धर्मों के, हिजरी संबत 1980 में खत्म हो गया। मुसलमान लोग कहते हैं 14वीं सदी पूरी हो गई, फिर कोई तवारीख नहीं। तो उनका अपना कैलेंडर, क्रिश्चियंस का अपना कैलेंडर 2000 साल पहले भी, और विक्रम संबत अपना संबत, चक संबत अपना अलग संबत। तो हरेक धर्म वाले का अपना अपना संबत है। वो कैलेंडर तब बनाए जब दुख पैदा हुआ, तब एक एक दिन गिना, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक वर्ष गिना, तब कैलेंडर बना। तो संगम युग में अभी आप गिन नहीं रहे हैं, है? आप गिन नहीं रहे हैं, गिन रहे हैं तो कैलेंडर बन रहा है। नौ देवियां हैं, तो नौ देवियां और आठ देवता हैं। एक तो भगवान, तो जो नौ देवियां हैं और अष्ट देव हैं, एक भगवान का रूप है, नवग्रह कहे जाते हैं। उनमें बाप दादा किस में आते हैं? बाप दादा भगवान के रूप में षष्ठी पर पार्ट बजाते हैं तो किस में आते हैं? हम बच्चों में ही आते हैं ना, तो जिन बच्चों में बाप दादा विशेष पार्ट बजाते हैं वो देवता के रूप में हैं। उनमें भी बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा अष्ट देवों में प्रवेश करती है। स्पेशली और जो ब्रह्मा की सोल है और उनके साथ जो मम्मा की सोल है वो नौ देवियों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो ज्यादा मान्यता किसकी हुई? ब्रह्मा की भक्ति मार्ग में मान्यता उड़ गई, मंदिर नहीं बने, मूर्तियां नहीं बनी और कोई याद भी नहीं करता। और भगवान की याद विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में चल रही है। भगवान एक ही मुकर्रर रथ में आता है, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो आठ देवताओं में प्रवेश करके पाठ बजाता है। इसलिए रात बनाने वाली कौन हुई और दिन बनाने के निमित्त कौन हुए? चंद्रमा रा का पति कहा जाता है, तो चंद्रमा का जो आधार लेकर के पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो रात बनाने वाली नहीं होंगी। और सूर्य दिन कर कहा जाता है, दिन बनाने वाला है,
तो सूर्य का जो आधार लेने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं अष्टदेव, वो दिन बनाने में विशेष सहयोगी है, उजाला करते हैं। अभी भी मम्मा की सोल नौ देवियों में पार्ट बजाती है, उनमें मुख्य देवी है लक्ष्मी। ब्रह्मा कुमारियों का साथ दे करके अंधेरा फैला रही है या दिन बना रही है? है क्या बना रही है? है रात बना रही है? जब मुख्य देवी ही रात बना रही है तो बाकी और देवियां दिन बनाएंगी या रात बनाएंगी? क्या बनाएंगी? रात बना रही है। अरे और तो और जो रुद्रमाला की मुख्य है, मुखिया जगदम्बा, जिसमें खास ब्रह्मा प्रवेश करके चंद्रमा के रूप में पाठ बजाता है, जो सहयोगी नहीं बनती है जगत पिता की, वो भी अंधेरा फैलाने में सहयोगी बन जाती है। बाप को पूरा पहचानने के बावजूद भी अंधेरा फैलाने की निमित्त बनती है और सबसे जास्ती बनती है महाकाली के रूप में। तो देवियों की नवरात्रि मनाई जाती है और राम की रामनवमी मनाई जाती है। आठ कृष्ण जैसे बच्चे जब सतयुग में जन्म लेंगे उसके बाद राम का जन्म होगा, जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, माने जन्म हुआ। ऐसे ही छुपा रुस्तम बाद में खुले। इस संगम युग में शूटिंग होती है, आठ देवताओं के प्रत्यक्ष होने के बाद अंत में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी। ओम शांति।